सभी भक्तों को सीताराम जय बालाजी महाराज जाए बागेश्वर धाम सरकार। गौ माता को पार्वती मां ने क्यों दिया जूठन खाने का श्राप, जाने इसका रहस्य। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। गौ माता को पार्वती मां ने क्यों दिया जूठन खाने का श्राप, जाने इसका रहस्य। गौ माता को पार्वती मां ने क्यों दिया जूठन खाने का श्राप, जाने इसका रहस्य। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गौ माता को साक्षात देव की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गती क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। ये भी पढ़े स्वपन शस्त्रा, भगवान श्रीहरि का सपने में आना है, बहुत बड़ी बात, जाने किस देवी देवताओं के दर्शन से क्या होता है ला। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और माँ पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए, इस दौरान भगवान शिव के मन में एक शरारत सूझी और उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक एक आवश्यक कार्य के लिए जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूर्ण होती ही शीघ्र आपके पास आता हूँ, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए। असल में भगवान शंकर माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। भगवान शिव की बात मानकर माता पार्वती अकेली ही समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी और इसी तरह शाम हो गई। उस दिन 30 की तिथि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माँ पार्वती ने समुद्र तट पर ही रेत की शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से शिवजी की रात भर निर्जल और निराहार उपासना की और व्रत संपन्न किया। भगवान शिव वहाँ सूक्ष्म रूप में पहले से ही विराजमान थे और वो सभी गतिविधियों को निहार रहे थे। सुबह होते ही माँ पार्वती से समुद्र में रेत की शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोले कि खे देवी पार्वती, आपने कल 30 की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मैंने आपकी पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। भगवान शिव अभी भी माँ पार्वती के साथ ठिठोली करना चाहते थे और बोले कि हे पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दीजिए। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें वहाँ एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है, जब मैं पूजा कर रही थी तब ये उपस्थित थी। भगवान सदा शिव ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है, तो गाय ने नामे सिर हिला दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप असत्य कह रही हैं, गाय ने तो गवाही नहीं दी। भगवान शिव के समाने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुख से तुमने ये झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण ही अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता पार्वती देवी के क्रोध की भागीदार बनी और आज तक उनकी संतान अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन ही खाती है।